आप क्या कहेंगे? जो उन्होंने कहा वो सही है, उसको चूंकि वो राष्ट्रपिता हैं, जो उन्होंने कह दिया वो ठीक है। आदाब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज नेशनल टेलीविजन पर दो मुद्दे जो हैं वो छाए हुए हैं और दो मुद्दों के अलावा देश में कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है। एक तरफ जहां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 106 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, ये पूरी तरीके से नेशनल मीडिया में दिखाया जा रहा है, तो वहीं मोहन भागवत जो हैं आज मस्जिद पहुंचे, मजार पहुंचे, उन्होंने मजार पर फूल चढ़ाए, ये तमाम तस्वीरें दिखा करके गोदी मीडिया बता रहा है कि देखिए एकता की मिसाल जो है वो मोहन भागवत ने कामयाब कर दी, एकता की मिसाल जो है वो पेश कर दी है। और जिन लोगों से वो मिले हैं वो असल में कौन लोग हैं इसके बारे में भी जान लेना बहुत जरूरी है। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इमाम डॉक्टर उमर इलियासी साहब की तस्वीर, और इनसे मुलाकात मोहन भागवत की होती है, और मोहन भागवत से मुलाकात के बाद उमर इलियासी साहब क्या कुछ कहते हैं मोहन भागवत के लिए, पहले इस बयान पर नजर डाल लीजिए। मोहन भागवत जी का कुछ समय पहले बयान आया था कि हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है और मुसलमान के बिना हिंदुस्तान पूरा नहीं होता, आप क्या कहेंगे? जो उन्होंने कहा वो सही है, उसको चूंकि वो राष्ट्रपिता हैं, जो उन्होंने कह दिया वो ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि बचपन से लेकर के अब तक और अपने बुजुर्गों से भी मैंने सुना था कि देश के जो राष्ट्रपिता हैं वो जो हैं महात्मा गांधी हैं, पर आज डॉक्टर उमर इलियासी साहब ने देश को बताया कि मोहन भागवत ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों से यानी कि मुझसे मुलाकात की है, तो आज से देश के राष्ट्रपिता जो हैं वो मोहन भागवत हो गए हैं। इस बयान के बाद जो है तमाम लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके का ये बयान उमर इलियासी साहब का सामने आया है जिससे हर कोई हैरान है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यह साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके की बयान मोहन भागवत करते हैं, जैसे बुद्धिजीवियों को बताया जा रहा है, उन लोगों के बारे में जान लेना जरूरी है। और उमर इलियासी साहब इससे पहले भी कई बार इस तरीके के बयान दे चुके हैं जहां आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए सीए का समर्थन भी करते हुए दिखाई दिए थे, जो कि स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं। तो स्क्रीन पर एक दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां ये विदेशों में जाकर के भारत सरकार का गुणगान करते हुए दिखाई दिए थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मोहन भागवत ने एक ये बताने की कोशिश की कि देखिए मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिले, अब मुस्लिम बुद्धिजीवी कौन है, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं से मुलाकात की और ढिंडोरा पीट दिया कि एकता की मिसाल साहब पेश कर दी है। और डॉक्टर इमाम उमर इलियासी साहब के बयान के बाद तमाम लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख से मिलने के बाद अखिल भारतीय इमाम संगठन के चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहा है। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में जब पूछा गया कि भागवत ने कुछ समय पहले कहा था कि भारत के हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है और एक मुसलमान के बिना हिंदुस्तान पूरा नहीं होता, इस पर इमाम इलियासी ने कहा जो उन्होंने कहा है वे सही है, चूंकि वे राष्ट्रपिता हैं, जो उन्होंने कह दिया वो ठीक है। उन्होंने कहा कि हम सभी का मानना है कि देश पहले आता है। इमाम संगठन के प्रमुख ने कहा कि हमारा डीएनए एक ही है, केवल ईश्वर की इबादत का तरीका अलग अलग है। उन्होंने कहा कि मदरसे में आरएसएस चीफ ने बच्चों के साथ बातचीत भी की। इससे कुछ देर पहले ही आज राजधानी की एक मस्जिद में भागवत अखिल भारतीय इमाम संगठन के चीफ से मिलने पहुंच गए थे। कस्तूरबा गांधी मार्ग मस्जिद में बंद कमरे में एक घंटे से ज्यादा समय तक दोनों के बीच चर्चा हुई। अखिल भारतीय इमाम संगठन का कार्यालय यही स्थित है। भागवत के साथ संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी
कृष्ण गोपाल, रामलाल और इंद्रेश कुमार भी मौजूद थे। रामलाल पहले भाजपा के संगठनात्मक सचिव थे, जबकि कुमार मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक हैं। बैठक के बाद अहमद इलियासी के भाई सोहेब इलियासी ने कहा, ये काफी अच्छी बात है कि भागवत हमारे पिता की पुण्यतिथि पर हमारे निमंत्रण पर आए। इससे देश में एक अच्छा संदेश भी आरएसएस के लिए गया। आरएसएस प्रमुख सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करने के लिए मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा करते रहे हैं। उन्होंने हाल में दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल जमीनुलुद्दीन शाह, पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी और कारोबारी सईद शेरवानी से भी मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई थी। इस मुलाकात में भागवत ने हिंदुओं के लिए काफिर शब्द के इस्तेमाल के मुद्दे को उठाया था और कहा था कि इससे अच्छा संदेश नहीं जाता है। वहीं मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने कुछ दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा मुसलमानों को जिहादी और पाकिस्तानी बताए जाने पर आपत्ति जताई थी। मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने साफ तौर पर मोहन भागवत को यह भी बताया कि काफिर शब्द के इस्तेमाल के पीछे मकसद कुछ और है, लेकिन कुछ वर्गों में अब इसे अपशब्द के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बारे में मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने बातें रखी। आरएसएस प्रमुख ने बुद्धिजीवियों की चिंताओं को समझते हुए कहा कि सभी हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक ही है। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने कहा कि आरएसएस संघ हर वर्ग के लोगों से मुलाकात करता है। यह निरंतर चल रही सामान्य संवाद प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इस मुलाकात को लेकर एआईएमआईएम के प्रमुख बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस पर बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब ने साफ तौर पर कहा कि हम पर शक क्यों किया जाता है, जो लोग मिलकर आए हैं उनसे पूछिए कि क्या बात करके आए हैं। आरएसएस की विचारधारा पूरी दुनिया जानती है और आप जाकर उनसे मिलते हैं। ये जो मुस्लिम समुदाय में कथित पढ़ा लिखा तबका है, जो वो करेंगे वे सच है, जो हम कहेंगे अपनी लड़ाई राजनीतिक हक के लिए और मौलिक अधिकार के लिए लड़ते हैं तो हम बुरे हो जाते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा, यह जो तबका है कि जो खुद को ज्ञानी समझता है, उन्हें हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, जमीन पर क्या हो रहा है उन्हें मालूम नहीं है, आराम से जिंदगी गुजर रही है, आप आरएसएस प्रमुख से मिलते हैं, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन फिर भी आपका भी अधिकार नहीं है मुझसे किसी तरीके के सवाल करने का। बैरिशा सदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया के बाद तमाम मुस्लिम लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें एक ने कहा कि मोहन भागवत अब सरकारी मुसलमान और फर्जी मौलानाओं के नए राष्ट्रपिता हैं। एसवाई कुरैशी, नजीब जंग, जमीरुद्दीन शाह, तमाम लोगों ने अब संघ की शरण ले ली है। पहले कांग्रेस काल में मलाई खाई, अब भाजपा से मोल भाव कर रहे हैं। इस पर एक यूजर्स ने पूछा कि अरे मौलाना महात्मा गांधी क्या है? फिर एक यूजर्स ने इमाम को बताया इबलिस की औलाद। एक ने कहा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज मुसलमानों से मिलने मस्जिद पहुंचा, मौलाना जमील इलियासी की मजार पर फूल भी चढ़ाए और फिर एनआईए 100 से अधिक मुसलमानों को पीएफआई से जोड़ करके गिरफ्तार करती है। वारे उर्दू नाम वाले सिर्फ दरी बिछाएंगे क्या? एक ने कहा कि समझ में नहीं आ रहा, ये सच बोल रहे हैं या कटाक्ष कर रहे हैं। वैसे किताबों में अब तक यही पढ़ाया जाता है कि राष्ट्रपिता जो हैं वो महात्मा गांधी हैं, जिस पर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इमाम साहब के इस प्रतिक्रिया के बाद में जहां तमाम सवाल लोग मोहन भागवत से पूछ रहे हैं कि आप मुस्लिम बुद्धिजीवियों से जो आपसे जुड़े हुए हैं उनसे मुलाकात करके एक मैसेज तो कायम कर देते हैं, कभी उन लोगों के घर पर जाने की हिम्मत दिखाएंगे जिन लोगों को जय श्री राम का नारा लगा करके मार डाला गया या गौ हत्या का आरोप लगा करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया,
ये सांप्रदायिक सौहार्द और तमाम शांति की अपीलें मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिलने के बाद ही क्यों की जाती है? कई सारे सवाल जहन में ताजा हो रहे हैं कि कर सबको आपके सामने रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।